रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप स्कूटी चला रहे हो जिसकी कीमत करीब 15,000 रुपए हो और फिर आप ट्रैफिक पुलिस के हत्थे चढ़ जाएं क्योंकि आपने ट्रैफिक नियम तोड़े हैं, तो आप अंदाजा लगाएं आपको कितना जुर्माना भरना पड़ सकता है। सवाल भले मुश्किल है पर जवाब बड़ा आसान है। वजह यह कि गुरुग्राम में ऐसा ही एक वाकया पेश आया जहां ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने की वजह से स्कूटी चालक के खिलाफ 23,000 रुपए के चालान काट दिए। जी हाँ, ये सच है और ये सच्चाई केंद्र सरकार के जरिए 1 सितंबर से लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद सामने आई है। 15,000 की स्कूटी चला रहे दिनेश मदान नाम के शख्स पर 23,000 रुपए का जुर्माना न सिर्फ एक नई बहस को जन्म देता दिखाई दे रहा है बल्कि इस नए व्हीकल एक्ट को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे हैं। दरअसल 1 सितंबर से लागू हुए इस नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर अब 5,000 रुपए का चालान ट्रैफिक पुलिस काटेगी। पहले इसके लिए सिर्फ 500 रुपए का ही चालान काटा जाता था। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो अब 500 रुपए की जगह 10,000 रुपए का चालान कटेगा। साथ ही वाहन से किसी भी ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ केस भी चलाने का प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। नए नियमों के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर दूसरी बार ऐसा किया तो 2 साल तक की कैद या 15,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर गाड़ी तेज चलाई तो ओवर स्पीडिंग पर 1,000 रुपए से 2,000 रुपए तक का चालान काटा जाएगा। LMV के लिए जुर्माना 400 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर अब 100 रुपए की जगह 1,000 रुपए का चालान भरना पड़ेगा। मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1,000 रुपए की जगह 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। सड़क नियमों को तोड़ने पर 100 रुपए की जगह अब 500 रुपए तक का चालान भरना पड़ेगा। दो पहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर 100 रुपए की जगह 2,000 रुपए का चालान और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है। बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर 1,000 रुपए की जगह 2,000 रुपए का चालान कटेगा। इमरजेंसी गाड़ी को रास्ता न देने पर 1,000 रुपए का चालान कटेगा और ओवरसाइज्ड गाड़ी पर 5,000 रुपए का चालान कटेगा। अब जबकि केंद्र सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू तो कर दिया है पर इसको लेकर कई राज्यों में संशय की स्थिति भी देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी उठने लगे हैं कि वाहन चालक की किसी गलती के लिए इतने बड़े जुर्माने का प्रावधान तो कर दिया गया है लेकिन जहां सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई लापरवाही हो तो उसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जैसे सड़कों में गड्ढे होने की वजह से या फिर ट्रैफिक सिग्नल में होने वाली गड़बड़ी की वजह से हादसे होते हैं तो इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जाहिर सी बात है, जवाब तो ऐसे सवालों का भी ढूंढा जाना चाहिए जो आम लोगों से सीधे जुड़ा हो, पर लगता यह है कि सरकार ने सारी जिम्मेदारी जनता के पाले में डालकर अपनी पीठ थपथपाने की ही कोशिश की है जिसे सही मानने में लोगों को झिझक महसूस हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।